हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6, रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर को हमने प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 36 तक पढ़ चुके हैं। इसमें अनिल अपनी बहन को लेके, दिव्या को लेके डॉक्टर के पास गया रहता है, जिसके शरीर में रक्त की कमी हो गई रहती है और उसे एनीमिया हो गई रहती है। और अनिल डॉक्टर से बात करता है कि एनीमिया किस किस कारण से हमारे शरीर में एनीमिया की बीमारियां होती हैं। तो आइए पेज नंबर 37 पे हम पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। वो डॉक्टर बताती हैं कि जो रक्त में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वे जब हमारे शरीर को उचित आहार, संतुलित आहार नहीं मिलता है तो वे कण बन नहीं पाते हैं हमारे शरीर में। और जब वही कण नहीं बनते हैं तो हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है, लाल कणों की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल एक क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है कि अगर हम संतुलित आहार लें तो क्या एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वे कहते हैं कि एनीमिया बहुत से कारण से शरीर में हो सकता है, लेकिन हमारे देश में एनीमिया की बीमारी सबसे बड़ा कारण बताया जाता है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। वे कहते हैं कि एनीमिया, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके वजह से भी एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो पेट में कीड़े होते हैं, ये दूषित जल मतलब गंदा पानी और खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं वे दूषित होते हैं, जिससे हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। वे कहती हैं कि इस कीड़ों से बचने के लिए हमें साफ पानी और बहुत ही सफाई पूर्वक खाना, कोई भी चीज़ हमारा खाद्य पदार्थ है उसे बहुत ही सफाई वाला हमको खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। भोजन करने से पहले हमें अच्छे से हाथ धोना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। एक अजीब किस्म के कीड़े होते हैं जो अंडे जमीन के ऊपरी, और इनके जो लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और आंतों में जाके अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और इन कीड़ों से बचने के लिए, इन लार्वे से बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पलभर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अनिल पूछता है कि अभी तो आपने इन लाल कण के बारे में बताया, अब सफ़ेद कण जो प्लेटलेट कण होते हैं उनका शरीर में क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वे बताती हैं कि जो सफ़ेद कण होते हैं, प्लेटलेट कण, वे हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। वे बताती हैं कि जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब भी हमें कोई रोग होता है तो वे उस रोग से लड़ते हैं और लड़कर डटकर मुकाबला करते हैं और उन रोग को हमारे शरीर में, उन रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते और उसमें घर नहीं बनाने देते। संक्षेप में मान लो तो बहुत से रोगों से वे हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जब रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद
देती है। बीमारू इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भी भर जाती है। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये बीमारू जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगता है तो उसमें रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। ये एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है रक्त वाहिका की। कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले की तरह जाला बना लेते हैं और बीमारू इस जाले से चिपक जाते हैं जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बाहर ही चला जाता है। अनिल उनसे पूछता है कि जब घाव बहुत गहरा हो तब तो खून बाहर निकलता ही है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसे स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। वे कहती हैं कि अगर बहुत गहरा घाव हो तो वहाँ पर तुरंत साफ सफ़ेद कपड़ा बांध देना चाहिए रक्त को रोकने के लिए, और अगर रक्त ज़्यादा शरीर से निकल गया हो तो वहाँ पे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल पूछता है कि अगर खून की ज़रूरत पड़े तो किसी और व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। रक्त को चार मुख्य भागों में बांटा गया है और ज़रूरत पड़ने पर उस व्यक्ति के उसी रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो अनिल पूछता है कि अगर ज़रूरत के समय किसी व्यक्ति का उस ग्रुप का ब्लड न मिले तो क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। वे बताती हैं कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पे सभी प्रकार के रक्त समूहों को तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। वे कहती हैं कि ब्लड बैंकों का रक्त भंडार हमेशा सुरक्षित रहे इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान भी करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। वे कहती हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर नहीं होता है। 300 मिलीलीटर रक्त ही एक बार लिया जाता है और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती है। यह बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि किसी ज़रूरतमंद को हम थोड़ा दान कर देंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर समझा रहे हैं। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करता रहूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। वे उनकी पीठ थपथपाते हुए कहती हैं कि शाबाश। और यह चैप्टर आपको रक्त के बारे में, इस चैप्टर में बताया गया है कि रक्त की हमारे शरीर में क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, कैसे लाल कण से हमारे शरीर में क्या काम करता है, सफ़ेद कण हमारे शरीर में क्या काम करता है, इस पाठ में हमें समझाया गया है। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। आप इस पाठ को पढ़िएगा और इसमें जो जानकारी है उसे याद करिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।